नमस्कार बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप सभी को पता है कि कर्नाटक में हालिया जो मामला हुआ हिजाब को लेकर, जिसके बाद उसकी चिंगारी पूरे देश भर में फैल गई। कई युवा इस जो आंदोलन जो हो रहा था उसमें जुड़ गए। हिजाब और भगवा दुपट्टे के बीच ये जंग कहीं ना कहीं दिख रही थी, वही बहुत सारे सवाल इस वाकये से सामने आए। अभी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय बजरंग दल के शहर अध्यक्ष कौस्तुभ आवले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष विवेक चकोले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जिस तरीके से हम जानते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा ही कार्यरत रहता है हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, पर जिस तरीके से कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जब भी राष्ट्रीय बजरंग दल का नाम आता है तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा गुंडा ऐसा वगैरह दिखाई देता है। मतलब लोगों का कहना होता है कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल वाले होते हैं वो गुंडे होते हैं, वो हमेशा मारपीट या ये सारी चीजें करते हैं। तो बहुत जो युवा इसमें आते हैं वो कहीं ना कहीं एकदम गुंडे बनेंगे उसके बाद जाने के बाद। तो कई पेरेंट्स जो है वो भी कतराते हैं अपने बेटे को इस चीज में भेजने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो छवि राष्ट्रीय बजरंग दल की बनाई गई है वो कितने हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय बजरंग दल जिस मुद्दे को लेके भारत देश में काम कर रहा है वो मुद्दा है हमारे हिंदुत्व का, हमारे धर्म का। उसके बाद में राष्ट्रीय बजरंग दल में हम जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी लोग हैं वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिनका खुद का व्यवसाय भी है और कुछ नौकरी वाले भी लोग हैं। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, विवेक जी खुद बिल्डर है, तो हम लोगों को भी फैमिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गुंडागर्दी करेंगे तो हमारे घर वालों के ऊपर कुछ होगा नहीं। हम लोग हमारी जान की बाजी लगा के हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई अगर युवा वर्ग आता है तो हम युवा वर्ग को गुंडागर्दी नहीं सिखाते, हम उनको हमारे हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। हम उन्हें यही बताते हैं कि हमें कैसा हमारे हिंदू धर्म को बचाना है, हमारे हिंदू त्यौहार मनाना है और घर में माता पिता का सम्मान करना है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक ही विनंती करना चाहता हूँ कि आप ये सबसे पहले तो हम आपके दिमाग में से निकाल दीजिए कि राष्ट्रीय बजरंग दल माने गुंडागर्दी। गुंडागर्दी के लिए हम लोग नहीं है। ठीक है कौस्तुभ जी, कहीं ना कहीं कौस्तुभ जी आप भी जानते हैं कि हालिया मसला जो कर्नाटक में हुआ है, हिजाब और भगवा दुपट्टे की लड़ाई कहीं ना कहीं कर्नाटक में या फिर वो पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में वो वाकया, उसके बाद जिस तरीके से देश भर में वो पूरा आग की तरह फैल गया, इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं युवाओं में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल से आप है, कहीं ना कहीं बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी भूमिका कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करती है। और जिस तरीके से आप बताएंगे लोग आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसी तरीके से उस चीज को मानते। तो राष्ट्रीय बजरंग दल इस कर्नाटक में हिजाब और भगवा दुपट्टे की जो लड़ाई हुई है उस पर क्या भूमिका रखता है? देखिए, आज स्कूल में एक ऐसी जगह है जहां पर हर धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बराबर है। तो हमारे एक ही कहना है कि जहां पर आप हर धर्म के बच्चे पढ़ाई लिखाई करने आते हैं वहां पर आप हिजाब या भगवा, हम दोनों को अगर बाजू में रख के अगर सोचते हैं तो आप वहां पर जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसी को मान्यता दीजिए। उसके बाद में ये हिजाब और भगवा का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक से उठा है, इसको उठाने वाले जो लोग हैं आप उन्हीं को पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों उठाया है। उसके बाद में हिजाब एक ऐसी चीज है, मैं अगर आपको मैं सही से जो चीज बोलना है वो बोल रहा हूँ। हिजाब में आप अगर देखोगे तो उसमें एक जो लेडीज है या फिर जो बहन है, वो जो स्त्री है, आप उसमें उनका पूरा ऊपर से लेके नीचे तक शरीर ढका हुआ रहता है। आज स्कूल में वो जाते हैं तो उसमें अगर उसका नाम कुछ और है, उसके उसके नाम जब एग्जाम होती है अगर उसके नाम के चलते अगर कोई दूसरा लड़की आके वहां पे उसके नाम से एग्जाम देती है तो आप ये पता भी नहीं कर सकते हो कि वो चीटिंग हो रही है क्या हो रहा है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर ये महिलाएं हिजाब पहन के घूमती है, तो वहां पर क्या होता है कि वो हिजाब के आड़ में भी बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में हो सकती है और हो रही है। तो इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप भगवा दुपट्टे को स्कूल में मान्यता दीजिए,
मगर हमें एक चीज कहना है कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म है आप उसी को मान्यता दीजिए। अगर हिजाब को मान्यता दी जाती है तो राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से हम सरकार को ये चीज बताना चाहते हैं कि पूरे संपूर्ण देश में हम भगवा दुपट्टा सब स्कूल के लड़कों को, हिंदू धर्म के लड़कों को और लड़कियों को हम पहनाएंगे। अगर आप हिजाब को अगर मान्यता देते हैं तो हमारा, हमने सोच के रखे हैं कि हम हर स्कूल में जाके भगवा दुपट्टा और भगवा पगड़ी, भगवा फेटा हम स्कूल के लड़के और लड़कियों को पहनाएंगे और उनको भी बोलेंगे कि आप स्कूल में ये पहन के जाइए। कौस्तुभ जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो हिजाब है उसके पीछे बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है, कई मसलों में ये हुआ होगा, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरीके से एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, तो आतंकवादी वाला आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड दिखा, पर कुछ बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं जो खुद हिजाब का मतलब वो कहती है कि हम हिजाब में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अगर आप हिजाब को ही मना कर देते तो वो सुरक्षित वो महसूस ही नहीं कर पाएगी। देखिए, हम हिजाब को सुरक्षित या असुरक्षित नहीं बोल रहे, बराबर है, या वो लड़कियां क्या चाहती है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बात है हिंदू धर्म की, यहाँ पर बात है हमारे संविधान की, बराबर है। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि हिजाब को स्कूल में पहन के जाने के लिए मान्यता है, संविधान नहीं कहता है। और संविधान में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि भगवा दुपट्टा पहन के जाना स्कूल में मान्यता है। लेकिन अगर हिजाब पहन के जाना स्कूल में, अगर वो लोग सोचते हैं कि ये मान्यता है और हम लोग हिजाब पहन के जाएंगे ही, तो ये भी इसके बाद ये सच है और ये होगा ही कि हर हमारा हिंदू भाई और हमारी हर हिंदू बेटियां स्कूल में भगवा दुपट्टा और भगवा फेटा पहन के जाएगी। तो कौस्तुभ जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पर बहुत लंबे अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि स्कूलों में जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के जाती, तो अभी ये जब चुनावी चीजें चल रही, उसी बीच ये मुद्दा पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, वोट गेन करने के लिए, या फिर सच में वो मुद्दा है इसलिए उभर कर आया? देखिए कैसा है, एक जो वो धर्म है, बराबर है, एक मुस्लिम धर्म जो है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बराबर है, या फिर उनका कुछ ना कुछ अगले 10 साल और 20 साल के बाद में उनका भारत देश में कुछ एक एजेंडा चल रहा है जो हिंदू नहीं समझ रहे, ये सबसे बड़ी गलत है, गलत फहमी है, बराबर है, हिंदुओं की। तो उन लोगों को लगता है कि भारत देश में अगर छोटी छोटी चिंगारियां उठाएंगे, जैसा उन्होंने ये हिजाब का मुद्दा उठाया, हिजाब का मुद्दा उठाएंगे तो भारत देश में पॉलिटिकली उनको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलेगा, बराबर है, उनके जो वोट्स है वो वोट बैंक उनको जाएगी, तो ये उनका मुद्दा है। हम राष्ट्रीय बजरंग दल वाले लोग हैं, हमको सिर्फ हम भगवे से प्यार करते हैं और हमें भगवे के बारे में ही बोलना है। अगर हिजाब मान्यता दी जाएगी तो भगवा मान्यता भी दी जाएगी, ये हम लोग बोल रहे हैं बस। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से इस भगवे और हिजाब के ये जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि युवा जो हमारा भविष्य है वो भी इसमें फंस रहा है, और जिन बच्चों को अभी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए वो आंदोलन में उतर रहे, किस हद तक ये सही है? ऐसा है, सारी मुस्लिम कंट्री 36 मुस्लिम कंट्री है, इसमें से कई तो भी स्कूल है जैसे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पढ़ते हैं, मगर पढ़ने के बाद बाकी कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो हो रहा है बाकी स्कूलों में तो नहीं हो रहा, सब हिंदू धर्म संस्कृति के हिसाब से चल रहा है और बाकी सब लोग मान्यता भी दे रहे हैं। मगर ये हिसाब जो आपने लाया है, हिसाब का ये उद्दिष्ट नहीं है ना कि बाकी लोगों को गुमराह किया जाए, बाकी लोग इसमें, बाकी युवा गुमराह हो रहे हैं, बाकी लेडीज गुमराह हो रहे हैं, इसका फायदा मुस्लिम कंट्रियाँ उठा रही है, बाकी स्कूल, बाकी कितने तो भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे यूनिफॉर्म है, टोटली स्कूल का यूनिफॉर्म है, मगर ये हिसाब की बात कहाँ से आती है? ये तो पॉलिटिकल इशू बन रहा ही है, पॉलिटिकल इशू बन रहा है, इसलिए कंट्री में ये सब बात। इसके बाद में तालिबानी, अगर बस इतना ही हिसाब का है तो फिर इसको इंडिया को तालिबान घोषित कर दो, जो तालिबान में हो रहा हो यहाँ पे हो रहा, अगर ये अगर मान्यता दे दे फिर तालिबान मुस्लिम होने को कोई टाइम नहीं लगेगा। कौशल जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं इस जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हिजाब को मान्यता मिलती है तो राष्ट्रीय बजरंग दल की भूमिका रहेगी कि हर स्कूल में भगवा हिंदू लड़के लड़कियां पहन के जाएंगे, तो ये तो जंग फिर निरंतर चलती रहेगी, देखिए इसका कोई अंत ही नहीं होगा। जंग की शुरुआत हमने नहीं की है, ये हमारा देश है, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, हमें हमारे जन्मभूमि से प्रेम है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी द्वेष या फिर कोई किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है।
जो हम हमारे खुद के घर में कभी झगड़े नहीं करते, झगड़े लगाने वाले बाहर के लोग होते हैं। और यही जो झगड़ा चल रहा है हिजाब का, ये बाहर के देश जो मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान है, और वहां के जो सोच रखने वाले हमारे भारत देश में पॉलिटिकल लोग हैं, और जो वैसे संगठन वाले लोग हैं जो इस्लामिक धर्म को मानते हैं, और जो आतंकवादी गतिविधियां हमारे भारत देश में फैला रहे हैं, वो इन सब सारी चीजों को हमारे भारत देश में फैला रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि हम घर वाले हैं, तो अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो शायद घर वालों को समझना चाहिए इन चीजों को, झगड़े को सॉर्ट आउट करना, ना कि उसे बढ़ाना। तो ये तो यही चीज हो रही ना कि झगड़ा सिर्फ बढ़ रहा है घर में, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका मतलब वो चीज खत्म कैसे होगी? देखिए, वो हमारे घर वाले नहीं है, हम हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं, बराबर है। हमें इस बारे में और डिटेल में नहीं बोलना है, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं और उसके चलते अगर कुछ हो जाए तो फिर वो हमारे धर्म और हमारे भगवे पे आएगी, बराबर है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम हमारे घर वाले जो है, हम हमारे बेटियों को और बच्चों को समझा के रखे हैं, इसलिए आज नागपुर शहर में इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बराबर है। अगर जैसे उनके बेटियां, उनके बहनें और उनके माताएं इतने बड़ी संख्या में रोड में हिजाब को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर कोरोना का सोच नहीं है, कोरोना के बारे में नहीं सोच रहे, जहां पर प्रशासन के इजाजत बिना लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, और इस देश को वो बढ़ा रहे, हम लोग नहीं बढ़ा रहे। अगर हम चाहे तो हम भी भगवा दुपट्टा और भगवा फेटा डाल के हम लोग भी लाखों और करोड़ों की संख्या में रोड पे उतर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम समझदार है, ये हमारा देश है, ये हमारा घर है, हम लोग यहाँ पर द्वेष नहीं फैला रहे, वो फैला रहे, ये उनको समझना चाहिए। मतलब ये चीज उनको समझनी चाहिए कि हिजाब को लेके कोई भी विवाद ना किया जाए, जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि 36 मुस्लिम कंट्री है, वो हिजाब जो आप बोल रहे हो वो वहाँ पे कर सकते हैं, मगर ये हमारा इंडिया है, इंडिया में हम ये सब कुछ चलने देंगे? अगर हिजाब की बात आएंगे तो यहाँ पे भगवा लहराएंगा, इंडिया में भगवा लहरा जाएगा। पर इंडिया को मतलब हमारे देश को वैसे भी यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे विविधता में एकता के नाम से जाना जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो विविधता होगी वो कहीं ना कहीं कम होगा, उसका क्या कहेगा? कैसा है यहाँ पे सब लोग भाईचारे से रहते हैं, सब सबको यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के लिए फिक्र करते हैं, वो सही है। हिंदू और मुस्लिम में झगड़े लग रहे हैं। हाँ, तो झगड़े लगाने वाला कोई और है ना, तो उस झगड़े लगाने वाले को हमको ढूंढना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े। पर यहाँ पे हमारे इधर पॉलिटिक्स इतना बड़ा इशू है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के अपने लिए विचार करेंगे, सामने के भविष्य के लिए विचार नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय बजरंग दल को लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं, और अगर राष्ट्रीय बजरंग दल ये भूमिका रखता है कि हम झगड़े को सॉर्ट आउट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग इस चीज को फॉलो करेंगे और वो जो झगड़ा है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। इसके लिए सब हिंदुओं को एक आना होगा, सब हिंदुओं को एक आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन कुछ निकलेगा। क्योंकि ये तो भैंस भाई चलती रहेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है। अपन आज सोच रहे कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे कोई तीसरा ही आके बॉम्ब फोड़ रहा है, ये समझ जाओ आप। ये आज भी मैं मेरे हिंदुओं को कहना है कि आज भी अलर्ट रहो, क्योंकि अगर इंडिया को तालिबान बनने में टाइम नहीं लगेगा, हमारे प्रवीण भाई साहब ने भी यही बोला कि आज भी हिंदुओं जागो, हमारा एक ही कहना है, जागो। तो हिंदुओं के जागने से हिंदू और मुस्लिम के जो झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे, मतलब ये हिजाब और भगवा को लेके जो मसला चल रहा है वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर वो अपने इस पे अड़े रहे तो हमको भी अपने इसमें अड़े रहना पड़ेगा, तो फिर ये तो झगड़ा अंत हो गया ही नहीं। देखो, जो चीज शुरू करता है वो अंत भी वही करता है, जो ऊपर वाला बैठा है ना वो सब करने के लिए बैठा है। दूसरी बात, अगर ये अड़े रहेंगे, अड़ने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन साथ देगा, इंडिया साथ देगा, और हमारी भारत माता साथ देंगी। जो होना है वो तो एग्जैक्टली पॉइंट, जो होना है वो तो होगा, और भगवान लहराएंगे। फिर वही मुद्दा आता है, हम फिर घूम फिर के उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा देखो, अपन सराउंडिंग करेंगे तो मुद्दा वही आएगा, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जो कहते हैं। हाँ। वही गुम हो रहा है फिर देश की विविधता में एकता, अगर भगवा ही लहराएगा तो विविधता में जो एकता है वो दिखेगी नहीं। इस विविधता में एकता जो आप बात कर रहे हैं, इसी चीज का हमारे बाहर के जो बाजू के मुल्क वाले, देश वाले हैं, वो उसका गैर फायदा उठा रहे हैं, तो बराबर है। उसके चलते ही हमारे देश में क्या हो रहा है कि एक हिंदू धर्म जो है, विविधता में एकता के कारण हिंदू धर्म भी बट गया है। इसका फायदा बाहर के इस्लामिक देश वाले, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश है, ये उठा रहे हैं,
और हमारे देश में ही ये विविधता विविधता को एकता, विविधता और एकता को लेके हमारे देश में ये द्वेष फैला रहे हैं। अच्छा, और इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग विविधता में एकता बोल रहे हैं और बाहर के जो आतंकवादी गतिविधियां हम उसको और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, मतलब बराबर है। और हिंदू यूनाइट हुए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बस हिंदू यूनाइट होना चाहिए, ये भारत देश है, हिंदुस्तान है, यहाँ की संस्कृति जो है आप उसको मानिए और आप बाहर की संस्कृति को मत मानिए, हमारा एक ही कहना है सब हिंदू लोगों से। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कौस्तुभ जी और विवेक जी, कि कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेके हमेशा ही राष्ट्रीय बजरंग दल की एक आक्रामक भूमिका कह सकते हैं या फिर सुरक्षित करने की भूमिका रहती है। इस मसले में हालिया जो एक मामला हुआ था जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से एक लड़की को बचाया गया था, मेरठ से बचाया गया था, क्या बताना चाहेंगे आप जितनी भी युवतियां हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे बहनों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये काफी सारी आप ऐसे ही हैंडल करते होंगे आपके साइट्स पे, तो इस पे मुझे एक ही कहना है कि फेसबुक पे अगर आपको किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के पहले आप उसके बारे में सोचिए कि क्या आप उसको सही में पहचानते हैं, या फिर आप उसके अगर पहचानते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं पहचानते आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। लव जिहाद का मैटर ऐसा है कि जो हमारे सामने चीजें आई है, जो हमारे हमें पता चली है, मैं उसी के बारे में उसी से आपको एक एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मुस्लिम लड़का उसका नाम बदल के हिंदू लड़के का नाम रख के हमारी हिंदू लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से वो फिर वो एक्सेप्ट करती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर वहां से उनकी फ्रेंडशिप चालू हो जाती है, फेसबुक पे बात होती है, फेसबुक पे बात होने के बाद में फिर वो मिलते हैं, फिर ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, ये बढ़ने के बाद में एक जगह यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो लड़की को उससे इतना प्यार हो जाता है कि फिर वो शादी के लिए मानते हैं। जब शादी करने कहीं जाते हैं तब उसको लड़की को मालूम पड़ता है कि अरे ये लड़का तो हिंदू नहीं, ये मुसलमान है, पर वो प्रेम इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया रहता है कि वहां पर एक दूसरे के साथ जब दिल से दिल मिलते हैं तो फिर वहां पर टूटने के लिए बहुत समय लगता है, तो वो लड़की को उसका उसके साथ में शादी करके जाना पड़ता है। बट ऐसा है कि लव जिहाद में जब वो लड़की शादी करके वो लड़के के साथ जाती है तो हिंदू धर्म और एक उनके धर्म में, उनके जो धर्म है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी हिंदू लड़की उनके यहाँ पे जाके नहीं रह सकती है, एक साल बाद में हमारी हिंदू लड़की को हमारे घर में वापस आना ही पड़ता है। ये हमने इतने कुछ महीनों में हमने जो देखा है, जो लड़कियों का एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया कि हम लोग दो दो साल से यहाँ पर रह रहे हैं पर अभी हमें रहने की इच्छा नहीं है, वापस आना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लव जिहाद में मुस्लिम संगठन वाले लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें उनको उनके भी जो भी संगठन है मुस्लिम धर्म का वहां से उनको पैसा मिल रहा है। सिंधी की लड़की है तो इतना पैसा, महाराष्ट्रियन की लड़की, ब्राह्मण की लड़की है तो इतना पैसा, मारवाड़ी की लड़की है तो इतना पैसा, ऐसी या फिर दूसरी और कोई कास्ट की लड़की है तो इतना पैसा। तो आप हिंदू धर्म के लोग सबसे पहले एक चीज समझिए, आपके घर में बेटी कहाँ जाती है, किससे बात करती है, फेसबुक पे वो किससे बात कर रही है, अगर उसकी गतिविधियां आपको चेंज होते हुए दिख रही है, अगर वो उसकी रहन सहन चेंज होते हुए दिख रहे हो तो आपका काम है आप उसको सवाल पूछिए ये क्यों कर रही है, क्योंकि उनका एक ही काम है, उनका पॉपुलेशन बढ़ाना है। आप सोचिए थोड़ा, जिस देश में जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है वो ही उस देश पे राज करेगा। आज अगर उनकी पॉपुलेशन, उनके कुछ एजेंडे है, वो 20 साल के एजेंडे उन्होंने अच्छे ठहरा के रखे हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आप हमारे हिंदू लोग इसको सोचने के लिए बहुत पीछे है पर उनकी सोच बहुत आगे है, तो आप इस चीज को अभी समझिए, लव जिहाद के मैटर से बचिए, बहुत गंदगी वाली चीज है वो, हिंदू धर्म वाले यहाँ से दूर है। पर फिर अगर लव मैरिजेस होते हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय के साथ लड़की को जाना ही नहीं चाहिए, अगर वो लड़का अच्छा हो, समझदार हो, चीजें समझ रहा हो और ऐसी कोई लव जिहाद जैसी सर्कमस्टेंस आए ही ना, तो क्या हिंदू युवती को जाना ही नहीं चाहिए इस चीज में? देखिए, हिंदू लड़की को उसके उनके जाना नहीं चाहिए, आप एक सवाल पूछ रहे बराबर है, आप एक बार उनसे पूछिए कि उनकी लड़की क्या हिंदू लड़की क्या आप वो देने के लिए मानेंगे क्या? आप लव जिहाद इतना सुन रहे हैं मगर कभी ये सुना आपने कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के घर में आई है? ये आप कभी ज्यादा सुना नहीं होगा आपने, क्योंकि वो होता ही नहीं है उनका, क्योंकि हम लोगों की वो मानसिकता नहीं है, हम लोग हमारे देश में हम लोग आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैलाना चाहते, हम लोग हमारे देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं,
वो लोगों की मानसिकता है कि हिंदू लड़कियों बेटियों को भगा के लेके आओ, मतलब मुस्लिम आतंकवादी चीजें फैलाते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ ये, पर जो चीजें होती है आज कश्मीर में, कश्मीर में हुई है, देश में जहां जहां पर ये गतिविधियां हुई है वो किसने किया है ये संपूर्ण देश को मालूम है। हम लोग उसके लिए डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली अगर सोचना है किसी को जैसे सोचना है वो सोच सकते हैं। मतलब आप सीधा नहीं बोल रहे, सीधा वार नहीं कर रहे। ये हमारा देश है, हमको यहाँ पर कुछ कोई भी चीज एक शब्द के कारण हमारे यहाँ पर कोई भी क्या बोलेंगे उसको असंवेदनशील ये वातावरण नहीं पैदा करना है। कौशल जी और विवेक जी एक आखिरी सवाल आपसे कि बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से आप सभी युवाओं को, हिंदू युवाओं को या फिर समाज के सभी तबके के लोगों को क्या एक अपील करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, आज जो हमारे इधर हम जो संगठन के लिए भी हर गांव में जा रहे हैं, संगठन स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे कितने तो भी युवा बेरोजगार है। सब जन, सब सरकार सिर्फ अपना सोच रही है, रोड बनाना, सब कुछ बनाना, सब सबके लिए सोच रही है, पानी सब व्यवस्था, मगर रोजगार के लिए कोई नहीं सोच रहा। आज कितने तो भी पढ़े लिखे लोग बेचारे खेत में काम कर रहे हैं, किसी को कुछ रोजगार नहीं है। कोरोना में कितने तो भी माँ बाप के बच्चे गुजर गए, किसी के बच्चों में से माँ बाप का साया गुजर गया, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज इसी तरह हम गांव गांव पहुंच के सब युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं कि अपने जागो, अपन आज अपनी घड़ी है, अपने को एक दूसरे के साथ रहना है, एकजुट होना है, तभी अपने को रोजगार के लिए एक आंदोलन करेंगे। आंदोलन के अनुसार सरकार को कुछ तो लगेगा कि बाहर से आके हर गवर्नमेंट ऑफिस में जैसा WCR रहे, कोई भी सेक्टर में सब मुस्लिम ही भरे जाएंगे, हमारे हिंदू कहाँ गए इतने पढ़े लिखे? हर हर कैटेगरी में हर सबसे ज्यादा इसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को ये दे रहे वर्चस्व, हमारे हिंदू लोग कहाँ गए? हमारा हिंदू हिंदू लड़का अगर किसी जॉब के लिए जाता है तो बेचारे उससे 10 लाख 12 लाख की गुंजाइश करते हैं और इनके लिए सब फ्री में, यूपी बिहार से आए, बंगाल से आए, इनके लिए सिर्फ फ्री में सब, इन्होंने चप्पल कूड़ा कचरा वाला सब इन्होंने धंधे उठा के रखा है, हमारे हिंदू लोग कहाँ गए? यहाँ से छोटी छोटी बच्चियां यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, वहां बेच रहे हैं वो देश में। इसलिए आज मेरा यही कहना है, आज आपके घर में अगर बाजू के घर में ये होता है कल चल के आपके घर में हो सकता है, इसलिए मेरा यही कहना है युवाओं से और सब फैमिली से कि आज आज ही टाइम है, वही टाइम है जो 20 साल आने वाला है, आज अपन सुधार सकते हैं। इसलिए सब हिंदू एकत्रित हो अपने बच्चों के सामने के फ्यूचर के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, हिंदुत्व के लिए, बस मेरा यही राय है। सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने नागपुर में इतनी अभी एक घटना हुई है, एक बच्ची पे 5 लड़कों ने मिलके इतना घिनौना काम किया। आज कभी कभी सोच के भी बहुत बुरा लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी आज एक हिंदू धर्म क्यों सोया हुआ है, या फिर अगर यही घटना अगर वाइस वर्सा करते हैं, हिंदू लड़कों ने अगर कोई लड़की पे मुस्लिम लड़की पे की होती तो ये नागपुर में ही नहीं पूरे भारत देश में चिंगारी उठ जाती और सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग हैं, इसको एजेंडा बना के अपना वोट बैंक बनाते। तो ये चीज बहुत बुरी मानने वाली चीज है, एक बार सोचने वाली चीज है। हम भारत देश में रह रहे हैं, आप कहां पर हिंदू जागो एक बार, और एक चीज ध्यान रखो, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, देश धर्म के काम जो ना आए वो बेकार जवानी है। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, कौस्तुभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुलाकात में हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों ये थी खास मुलाकात राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ। ऐसे ही अन्य और अपडेट्स और ऐसी अन्य खास मुलाकातों के साथ मैं मिलूंगी आपको, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।